हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द मोस्ट ट्रेंडी बीडेड बैग का फुल ट्यूटोरियल। मैंने कई सारे क्रिस्टल बीड्स लिए हैं, इनका साइज है 8 mm और साथ में मैंने ली है फिशिंग वायर 0.9 mm की जो कि नायलॉन की बनी हुई है। आपने अपने अकॉर्डिंगली इस वायर को कट कर लेना है। इसमें अब हम बीड्स को इंसर्ट करेंगे। पहले हमने 2 बीड्स राइट साइड में, 2 बीड्स हमने लेफ्ट साइड में इंसर्ट करने हैं। फिर हमने राइट साइड की जो स्ट्रिंग है उसका एज लेकर हमारे लेफ्ट साइड की जो बीड्स है उसमें हम इंसर्ट करेंगे और उसको पुल कर देंगे। अगेन हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। अब हमारा जो लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग है उसमें हमने 2 बीट इंसर्ट करनी है। और जो राइट वाला है उसमें हमने 1 बीट इंसर्ट करनी है और राइट वाले के एज को पकड़ के हमने लेफ्ट की बीड में इंसर्ट करना है और इसको पुल कर देना है। सेम यही प्रोसेस कर देना है आपने जितनी आपको बैग की लेंथ चाहिए। हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लाइन हमने कैसे स्टार्ट करनी है वो हम देख लेते हैं। अब जो मेरी लेफ्ट साइड की स्ट्रिंग है उसमें मैंने 3 बीड इंसर्ट किए हैं। राइट साइड की स्ट्रिंग में मैंने कोई भी बीड इंसर्ट नहीं किया है और इसको मैंने लेफ्ट साइड की बीड में इंसर्ट करके इसे पुल कर लेना है। अब मैंने राइट साइड वाले में 3 बीड इंसर्ट करना है और लेफ्ट वाले में हमने कोई भी बीड इंसर्ट नहीं की है और इसी तरह मैंने इसको इस तरह डाल के इसको पुल कर लेना है। और जो मेरी लेफ्ट वाली स्ट्रिंग है उसको मैंने इसी तरह लेफ्ट वाली साइड की बीड में ऐसे इंसर्ट कर लेनी है। अब राइट साइड की स्ट्रिंग में मैंने 2 बीड इंसर्ट करनी है और इसी तरह सेम प्रोसेस करते हुए मैंने बैग के लेंथ के अकॉर्डिंगली और विड्थ के अकॉर्डिंगली इसे रेडी कर लेना है। Thank you.
अब यही सेम प्रोसेस करते हुए मैंने दोनों साइड्स को जोड़ लेने हैं। Thank you.
और ये देखिए मैंने बैग के दोनों साइड्स को जोड़ लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसका हैंडल। हैंडल बनाने के लिए भी सेम प्रोसेस ही यूज होगा। अब हम इसमें एक्स्ट्रा लेयर ऐड करेंगे इसे ओवरलैप करने के लिए। और इस तरह मेरा यह ब्यूटीफुल सा बैग बनकर रेडी हो चुका है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये बैग कैसा लगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।